हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे पीजी का जो एडमिशन फ़ी है उसे हम कैसे पे करेंगे। तो अगर आपका ऐसा एसएमएस आ चुका है, अगर आपका पीजी में सारा डॉक्यूमेंट आप कॉलेज में सबमिट कर चुके हैं, वेरीफाई हो चुका है, जमा हो गया है, तो आपको ऐसा मैसेज आएगा, डियर स्टूडेंट यू हैव टू इन्फॉर्म डैट डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड, यू नीड टू लॉग इन यूजर आई डी पासवर्ड एंड सबमिट कॉलेज फी एडमिशन फ़ी। तो यही हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है हमें मुंगेर यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमें स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी में हम एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड खुल चुका है। तो नीचे यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट योर डॉक्यूमेंट हैज वेरीफाइड, उसके बाद प्लीज़ पे योर एडमिशन फ़ी, 30 अगस्त तक हमें एडमिशन फ़ी जमा करने का है। तो यहाँ पे क्लिक हियर जो नीचे वहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे हमारा कॉलेज एडमिशन फ़ी का आ जाएगा। यहाँ पे हमें एफिडेविट करके लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है कि जो भी मैंने कागजात वगैरह जमा किया हुआ है कॉलेज में वो सारा हमारा सही है, कोई कागज़ हमारा गलत नहीं, अगर गलत होगा तो मेरा नामांकन स्वतः ही रद्द के समझा जाएगा। यहाँ पे नीचे हमारा सिग्नेचर है, नाम है, पिता का नाम है, आवेदन संख्या है, कैटेगरी है और तारीख है। आई एग्री विथ एफिडेविट पे क्लिक करेंगे तो आ गया हमारा नेक्स्ट पेज पे, जो भी फ़ी लगेगा वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉलेज एडमिशन फ़ी पे यहाँ पे दिख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर शो होगा, सेशन शो करेगा, प्रोग्राम, कॉलेज, कोर्स, कॉलेज नेम भी शो करेगा, सब्जेक्ट भी। उसके बाद इसी को अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टोटल फ़ी जो हमारा है EBC में बॉयज़ का लग रहा है 3290 रुपया। और यहाँ पे हमारा अभी फ़ी स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पे फी पे हमें क्लिक करेंगे तो आगे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा फ़ी वाला, वहाँ से हमें पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पे फी पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा और आगे नेक्स्ट पेज पेमेंट गेटवे का हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे खोल गया है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एडमिशन फ़ी जमा करने के बाद 24 घंटे का हमें इंतज़ार करना है, उसके बाद लॉगिन आईडी पे हमें क्लिक करना है तो हमारा स्टेटस सक्सेसफुल शो होगा, यानी तो कभी कभी तुरंत भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी या एयर पे जो है ऊपर में उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सारा ऑप्शन आ चुका है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वैलेट और पे लेटर। यहाँ पे सारा पे हमारा अलग अलग अमाउंट शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम वैलेट पे देखें तो वैलेट पे हमें 3381 रुपया लगेगा, जिसमें कि हम फोन पे वैलेट, जियो मनी और ओला मनी से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डेबिट कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर अमाउंट हमारा 3350 दिखाएगा, तो यहाँ पर टोटल हमारा 3290 लग रहा है, कन्वेंस फी हमारा 60 रुपये 97 पैसा लगेगा। तो टोटल हमारा 3350 रुपया 97 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नेम और एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ये करके भर के सारा कुछ यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज हमारा OTP डालने को आ जाएगा, जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है, डेबिट कार्ड जिस नंबर से लिंक है उस नंबर पे हमारा OTP आ जाएगा। यहाँ पे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है, तो यहाँ पे अमाउंट सारा शो कर गया है, कितना हमारा 3343 रुपये ही कटेगा। तो यहाँ पे हमें इनबॉक्स में हमारा कोड आया हुआ है, उस कोड को हमें कॉपी कर देना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, सेव दिन दिस इन्फॉर्मेशन फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस हमारा यहाँ देख सकते हो, ग्रीन कलर में टिक लगा हुआ है। यहाँ पे डेट और टाइम देगा, ट्रांजेक्शन आईडी, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे हमारा ये है, इसको अगर हम चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ रिसिप्ट के लिए नीचे क्लिक हियर फॉर रिसिप्ट पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक हमारा PDF टाइप का आ जाएगा, तो ये हमारा, इसको हमें
निकाल के यहाँ प्रिंट रिसिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा PDF के रूप में हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर, सेशन है, प्रोग्राम है, कॉलेज नेम है, कोर्स है, सब्जेक्ट है, कैटेगरी है, फी पेड हमारा यहाँ पे फी स्टेटस पेड हो चुका है। जब हम नीचे क्लिक किए तो यहाँ पे ये जो है मुंगेर विश्वविद्यालय, ये हमारा रिसिप्ट, इसको फिर हम दोबारा सेव करना चाहते हैं। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डाउनलोड फिर से हो चुका है। उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो इसको अपने फाइल में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा रिसिप्ट हो गया है, यहाँ पे हमारा फी पेड दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देंगे। उसके बाद अपने बैग जाके अगर अपने फाइल में हम देखेंगे, यहाँ पे जाके हम अपने फाइल में डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे एडमिशन फी रिसिप्ट में, तो ये जो नीचे वाला शो हो रहा है, नीचे वाला पेज, यही हमारा रिसिप्ट है फी का। यहाँ देख सकते हैं एडमिशन फी रिसिप्ट, इसे हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रांजेक्शन स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल दिख रहा है, ट्रांजेक्शन ID, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को इस वीडियो देखें।